जब भी घर में पोहे बनाते हो तो खिले खिले नहीं बनते, चिपचिपे बनते हैं। तो 2 मिनट रुक जाओ और ऐसे बना लो, एकदम परफेक्ट और डिलीशियस बनेंगे दोस्तों। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने एक बार भी ऐसे बनाकर खा लिया ना, तो आप हर बार ऐसे बनाओगे और आपके पोहे एकदम खिले खिले खुले खुले बनेंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 2 चम्मच के करीबन घी या ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। जैसे ये क्रैकल करना चालू कर दे, इसमें हम कच्चे आलू यानी कि रॉ पोटेटोज ऐड कर देंगे। मैंने 2 बड़ी कटोरी ऐड किए। इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट खुले में इसे कुक कर लेंगे। जब तक मैं इसे कुक कर रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी को आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। अब देखो, आलू को एकदम अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। इसे हम कवर करके कुक होने के लिए साइड में रख देंगे और रेसिपी के दूसरे पार्ट पर वर्क करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम जो है पोहे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो थिक वाले जो हमारे पोहे आते हैं, जाड़े वाले, उसे मैंने ऐड किया है। मैंने 1/2 किलो पोहे यहाँ पर ऐड किए। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही थी इसीलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया। अब हम इसमें पानी यानी कि वाटर ऐड कर देंगे, ताकि हम जो हमारे पोहे हैं उसे वॉश कर पाए। दोस्तों, जब भी आप पोहे को वॉश करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें इसे एकदम डेलिकेटली एकदम प्यार से एकदम अच्छे से धोना है, ताकि जो हमारे पोहे के दाने हैं वो टूटे नहीं। पोहे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं जब पानी के साथ मिलते हैं, तो ये स्टेप का आप ध्यान रखना। एकदम अच्छे से वॉश करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर लेना है। फिर इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर भी ऐड करेंगे। शुगर ऑप्शनल है, पर अगर डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इसीलिए ऐड किए। इसे ऐड करने के बाद एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। देखो इस तरीके से मैंने अलग से इसीलिए मिक्स किया है, ताकि हमारे जो पोहे है वो खिले खिले बने। आप ये स्टेप में चाहो तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हो, अगर आपके पोहे बहुत ज़्यादा चिपचिपे बनते हैं तो। अब जो हमारा आलू है वो एकदम अच्छे से पक गया है, इसमें हम हरी मिर्च, करी लीव और रोस्ट किए हुए पीनट यानी कि मूंगफली डाल देंगे। इसमें दोस्तों आप गाजर, मटर, बीन्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर बटाटे पोहे बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। सब चीज़ डालने के बाद उसे एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड कर देंगे हमारा पोहे वाला मिक्सचर। पोहे वाले मिक्सचर को ऐड करने के बाद एकदम ध्यान से इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ताकि हमारे जो पोहे के दाने हैं वो टूटे नहीं। अब इसे हम कवर करके कुक कर लेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पोहे थोड़े सूखे सूखे आपको लग रहे तो आप इसमें पानी के छींटे भी ज़रूर डालना। अब इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालने के बाद हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा नींबू लिया था, उसका पूरा का पूरा जूस इसमें डाल दिया यानी कि रस डाल दिया है, और इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे और हमारे यमी वाले टेस्टी वाले पोहे बनके तैयार है। दोस्तों ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, और जब भी बनाओ तो ऊपर से बहुत सारा भुजिया डालना, भुजिया के साथ पोहे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।